सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है टाटा ऑटो टेक पर आप सभी का। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ, जैसे कोई हमारा न्यू हेल्पर होता है, सीखने लायक काम आता है कंपनी में, तो उसको ये पता नहीं होता कि हमारा जो लैपटॉप होता है वो कैसे कनेक्ट कराया जाता है गाड़ी में, BS6 में या BS4 में। तो आज की वीडियो इसी पे टॉपिक पर होने वाली, तो वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना। देखने के बाद दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके पास आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो लैपटॉप वाला पिन है वो आप ध्यान से देख लेना, वो इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है फ्यूज बक्से के अंदर। फिर दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे हमारे यहाँ पिन आ रहा है, तो ये भी अपने लैपटॉप के अंदर लगा लेना। ये मेरा लैपटॉप बिल्कुल बंद है अभी, आप देख सकते हो। और इसके बावजूद में मीटर में ये दो लाइट आनी चाहिए, हरी और रेड। तो ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको फाइनली यहाँ पे अपना लैपटॉप खोल लेना है पहले। ये देख लो दोस्तों, मैं ये लैपटॉप खोल रहा हूँ मेरा। ये दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, ये अपना आप देख सकते हो यहाँ पे, एक यहाँ पे हमारा किमिंस का मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको खोलेंगे हम। ये देख सकते हो, ये लोड हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन होने वाला है, लोडिंग ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो थोड़ा देर वैन हमने वेट किया, तो दोस्तों वेट करने के बाद ऐसा आपके सामने ऐसा सीन दिखाई देगा। दोस्तों आपको फाइनली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपना साइड में देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है हमारा कनेक्ट का, कनेक्ट टू ECM। तो इसको हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इंजन ऐसा इस टाइप का कुछ आएगा, तो आपको यहाँ पे भी एक कनेक्ट का ऑप्शन देगा, उसको भी आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो लोडिंग है जो इससे हम कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो दोस्तों 5 मिनट या 2 मिनट या 3 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे दोस्तों वहाँ पे लोडिंग होने के बाद ऐसा सीन दिखाई देगा, दोस्तों आपको भी यहाँ पे कुछ मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, आप कुछ देर वेट करने के बाद ऐसा सीन दिखाई देगा, दोस्तों आपको आगे क्या आना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं कि आप यहाँ पे गाड़ी नंबर के मतलब गाड़ी नंबर डाल के आप कनेक्ट कराओ, या फिर आप बिना मतलब ऐसे चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं अभी आपको कनेक्ट करना कराने सिखा रहा हूँ, तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे एक दिखे दे रहे ओके, तो ओके कर दूंगा यहाँ पे फाइनली। यहाँ पे ओके करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा कुछ सेकंड का, फिर यहाँ पे ऐसा सीन दिखाई देगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने फाइल कोड देखने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इसके ऊपर हम ऐसे करके अपने ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा सीन दिखाई देगा, जो सारे फाइल कोड आते हैं अपने, तो वो दोस्तों आपके सामने हो गए। दोस्तों आप कनेक्ट बहुत ही आसानी से करा सकते हो, तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कनेक्ट करा सकते हो। और दोस्तों मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों आप अगर मेरी वीडियो में कुछ सीखे और कुछ नहीं जानते हो, अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मैं 100% सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।